वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। टुडे हम लोग आज डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए का जो भी एग्जाम हुआ है, स्पेशली एआरडी और ईसीआई का जो पेपर था उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स हो गए हैं, जो पेपर टू है उनका भी डेट्स आ चुका है, तो वो काफी जल्दी होने वाले हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस हम लोग बतला रहे हैं इसमें, उसके हिसाब से अपना मार्क्स आप लोग देखिए और फिर पेपर टू का भी तैयारी में लग जाइए, बिकॉज वो काफी जल्दी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले नबार्ड के अलावा और जो बाकी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है एफसीआई AG2 और AG3 का। तो ये अभी सितंबर तक डेट है इनका फॉर्म फिल करने का, तो आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इनके लिए एक कोर्स है, एफसीआई AG2 AG3 का कॉम्बो कोर्स है ये। इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, टेस्ट यूट्यूब वीडियोस दिया जाएगा, क्लासेस एंड नोट्स, ओल्ड पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा। ये होल कोर्स है, सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा। ये सिर्फ 2,399 रुपीज में आपको दिया जाएगा। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये कोई क्वेरी है अगर आपको कोर्स से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे पूछ सकते हो। हमारा ऐप एग्रीकल्चर जीके और हमारा वेबसाइट agriculturegk.in से भी जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये जो क्वेश्चंस है वो, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस मिला नहीं है तो हमने बच्चों से बात कर करके, वर्बली बात करके हमने ये क्वेश्चन सेट किया है, तो हो सकता है कि ऑप्शंस थोड़े अलग हो या क्वेश्चंस थोड़े अलग हो, लेकिन जो टर्म है वो टर्म से क्वेश्चन आया है, इसलिए उनका क्वेश्चंस यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए, ये ऑप्शन नहीं था ये ऑप्शन था, तो आप कमेंट में बताना, तो हम लोग उसको एक बार और रीचेक करेंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पहली बात तो होता क्या है, ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है टू मैनेज लैंड। लैंड को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उनको एक ही लैंड पे क्या करना है, लाइव स्टॉक को भी देखना है, एक ही लैंड पे उनको फॉरेस्ट का भी प्लांट ग्रो करना है, अपना एग्रीकल्चर का भी ग्रो करना है, फिशरी भी करना है, तो ये सारा कुछ उनको एक ही जमीन पे करना है, तो उसको कैसे वो स्मार्टली मैनेज करते हैं, तो वो होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि नहीं होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनहांस्ड रेजिलेंस, रिड्यूस्ड इमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड थ्रू। कोकोनट जो है वो किसके थ्रू प्रोपोगेट होता है, तो सीडलिंग के थ्रू। सीडलिंग जनरली ट्राई करते हैं कि 6 से 8 मंथ ओल्ड हो। ठीक है, तो यही है, सीडलिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट स्टार्ट विथ इंटरविनल क्लोरोसिस, लोअर लेफ्ट देन मूव्स टू अपवर्ड पार्ट, फॉलोड बाय पर्पल डिस्कलरेशन, ड्राइंग एंड अल्टीमेट लीफ ड्राई। अभी जो लीफ का जो होता है वो, जो डेफिशिएंसी होता है वो मेनली होता है एनपीके के वजह से। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की वजह से जनरली होता है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, सॉरी नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, ग्रोथ स्लो होता है, ठीक है, पेल हो जाता है। और जो लीफ का जो अप वाला पोर्शन है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन या येलो, ठीक है, तो और थोड़ा बर्न दिखता है, जो उनका लीफ होता है वो थोड़ा बर्न मतलब जला हुआ नजर आता है। अगर हम लोग फॉस्फोरस का बात करें तो इस केस में क्या होता है, प्लांट वाली बात तो शॉर्ट रह जाता है, ठीक है, डार्क ग्रीन हो जाता है इन द कलर। और इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी, और अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पोटेशियम का बात करें तो ये होता है, इसके वजह से क्या होता है, स्मॉल स्पॉट्स आ जाता है टिप्स पे, जो लीफ का जो एज है वो पेल हो जाता है। तो एनपीके जो है, ये तीनों मेन कहा जाए तो मेजर डिफिशियंसीज की वजह से ये सब डिजीज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पोटेशियम है। ठीक
क्योंकि जो इंटरविनल क्लोरोसिस है ये पोटेशियम के केस में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फार्मिंग हैज टू मीट सोसाइटी प्रेजेंट फूड टेक्सटाइल नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर करंट जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसमें क्या हो रहा है, वैसा फार्मिंग जो कि हम लोग सोसाइटी में यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग के अभी का तो नीड्स पूरा होगा, साथ ही साथ जो बाद का जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, उनका भी नीड पूरा होगा। तो उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम दोनों के नीड्स आपको मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे यूज कर रहे हो अभी जो आपके पास है, ताकि आपके अगला वाला जनरेशन भी उसका इस्तेमाल ढंग से कर सके। अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, हमने एक लैंड लिया, इस पे हमने ग्रो किया, फिर जब इसमें हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं, फिर हम लोग दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहां ग्रो करते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो दिस इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर हम लोग पर्मा कल्चर का बात करें तो इसमें क्या होता है, लैंड मैनेजमेंट होता है, नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, मतलब जो नेचुरली इकोसिस्टम होता है उसको कैसे मैनेज करे, उसके लिए पर्मा कल्चर होता है। नेचुरल फार्मिंग तो आपका नेचुरल फार्मिंग जो कि आप लोग देखते हो। नेक्स्ट, व्हाइटिश ग्रे पाउडरी कोटिंग ऑन लीव्स ऑन और फ्रूट ऑन लीव सिम्टम्स अपियर एज क्रोटिक स्पॉट ऑन द लीव सर्फेस दैट सून बिकम्स व्हाइटिश लेसन्स इन द सिम्टम्स सीन इन ग्रेप्स रोज एंड अदर एरोमेटिक क्रॉप आर ड्यू टू। जो सिम्टम्स होता है वो दो तरह का होता है, सबसे पहले तो ठीक है, एक होता है कॉटनी ग्रोथ और एक होता है व्हाइटिश ग्रे पाउडरी सिम्टम्स। ठीक है, अगर अगर लिखा रहा है कि अपर या लोअर पोर्शन में हो रहा है कॉटनिंग ग्रोथ, तो किसकी वजह से होगा, वो होगा डाउनी मेल्डीव के वजह से। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर व्हाइट ग्रे पाउडर पूछ रहा है, तो व्हाइट ग्रे पाउडर किसकी वजह से होता है, पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, बोटानिकल नेम ऑफ टी, तो टी का इस बार ये चीज देखने वाला था आपके, जो बोटानिकल नेम इन्होंने काफी पूछे हैं, क्योंकि आपके पास कितने सारे फ्रूट्स है, कितने सारे वेजिटेबल्स है, कितने सारे प्लांट है, कितने सारे ट्रीज है, हर का बोटानिकल नेम याद करना, हर का साइंटिफिक नेम याद करना इज नॉट, वो बहुत मुश्किल है, पर इन्होंने पूछा है इस बार। तो टीक का बोटानिकल नेम इज टेक्टोनिया ग्रांडिस। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट कट रोज सोल्ड ऑन विच डे। कट रोज से तो समझ आ गया होगा, और ऑप्शंस देखकर, पर आप मुझे ये बताओ कि रोज डे को क्यों नहीं होता है, वैलेंटाइंस डे को क्यों होता है, बिकॉज रोज डे तो डेडिकेटेड है रोज के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन, पर इसका राइट आंसर इज वैलेंटाइन। ओके, क्योंकि वैलेंटाइन में सबसे ज्यादा कट रोज का इस्तेमाल लोग करते हैं। नेक्स्ट, रैम लैम कैस्ट्रेट एट व्हाट एज। रैम बैंड कैस्ट्रेट जो होता है वो जनरली 24 से 30 डेज के बीच में करना चाहिए, जो कि 2 to 4 वीक्स है। अगर हम लोग कैस्ट्रेशन का बात करें, कैस्ट्रेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं टेस्टिकल को, जनरली ये क्या होता है, मेन हार्मोन को हम लोग खत्म कर देते हैं, तो कैस्ट्रेशन उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा ऑर्गेनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल ग्रोथ में, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, जीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, यही सब जो है वो ब्रेकिंग यूनिट है, यही सब जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यही सब जो है जो ग्रोथ यूनिट है। इन सब के वजह से ही, न्यूक्लियस की वजह से ग्रोथ, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच लॉन्ग फोडर क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द सॉइल मंचिंग एंड टू प्रिवेंट इरोजन। इसको सिल्वी पैस्टल कहते हैं। सिल्वी पैस्टल होता क्या है, फॉरेस्ट में क्या करते हैं, ट्रीज को ग्रो करते हैं, पास्चर्स को ग्रो करते हैं, और लाइव स्टॉक भी साथ साथ रखते हैं, उसको सिल्वी पैक्चर कहते हैं। ठीक है, वुड हेजेस क्या होता है, डाइवर्स प्लांटिंग ऑफ वुडी प्लांट फ्रॉम श्रब टू स्मॉल ट्री, मतलब छोटे से लेके बड़ा प्लांट को ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट प्लांट को, तो उसको वुडी हेजेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द पीएच फॉर द फिश कल्चर। फिश कल्चर के लिए ऑब्वियस बात है, फिश भी क्या है, एक तरह का लिविंग बॉडी है। ठीक है, तो
तो लिविंग बॉडी के लिए आपको न्यूट्रल पीएच ही चाहिए रहने को, तो इसमें एक ही न्यूट्रल पीएच का रेंज है, ये बहुत एसिडिक है, ये बहुत बेसिक है, और ये भी एसिडिक है। तो ये तो क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए था कि यही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन एंड कोलाबोरेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिम्बर कलेक्शन। कम्युनिटी फॉरेस्ट का आंसर है। इसका मतलब क्या है, हमारा एक फॉरेस्ट लैंड है, इसको पहले गवर्नमेंट देख रहा था, लेकिन क्या हुआ कि इस फॉरेस्ट का जो भी टिम्बर इसमें होता है, जो भी लकड़ियां इसमें होती हैं, उसकी वजह से जो विलेज के लोग हैं वो इस पर निर्भर है अपना गुजारा चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पूरे जमीन को विलेजेस को दे देती है कि आप इसका यूज करो, आप इससे टिम्बर लो, आप बेचो, आप कमाओ, लेकिन आपको इस जगह का पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि इसमें जो ट्रीज है वो कम ना हो, तो इन सब चीज का आपको ख्याल रखना है। तो उस केस में कम्युनिटी को कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेप्स लीव फीडिंग इन इनिशियल स्टेज एंड कंप्लीट डिफोलेशन इन। डिफोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्लांट को लीव को पूरा खत्म कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन, पूरा लीव खत्म हो रहा है, ठीक है। उस केस में डिफ्लोरिएटर बीटल इनका नाम है। अगर बीटल भी होता फिर भी ये राइट आंसर होता, क्योंकि जनरली बुक्स में बीटल ही दिया रहता है, अगर डिफोलिएटर बीटल है मतलब तो और क्लियर हो गया वो आंसर। व्हाट इज द जीवीए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इनकम एस्टिमेट। तो फर्स्ट इनकम एस्टिमेट के हिसाब से जो जीवी के शेयर है, दैट इज 65 to 85%, ठीक है। नेक्स्ट, स्कीम जो कि हम लोग यूज करते हैं करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ को देखने के लिए, चेंजेस इन सॉइल हेल्थ ये सब को चेक करने के लिए, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनी सरफेस एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम रेनफॉल इज कलेक्टेड एंड ड्रेन टू द कॉमन पॉइंट। क्या होता है इसमें, ये कहना चाह रहा है, ये जनरली माउंटेन्स पे होता है, माउंटेन है, यहाँ पर बादल हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। अब इस इलाके में क्या हो रहा है, ये पूरा पानी कलेक्ट हो रहा है, तो ये कलेक्शन पॉइंट है। अब जब ये पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो कॉमन पॉइंट पे कलेक्ट होके ये बहना चालू कर देती है, दैट इज नोन एज वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। किसान का, फार्मर्स का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनके उनके लिए जो स्कीम है, दैट इज किसान कॉल सेंटर, वो कॉल करके अपने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये चीज का उनको बताया है, एट एन इंटरगल पार्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम एम्स एट असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर। तो ऐसा कौन सा है जो कि लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को देखता है, दैट इज केवीके। केवीके इज किसान किसान विज्ञान केंद्र। किसान विज्ञान केंद्र जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो एरिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है उस पर गौर किया जाता है कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को और बेटर कर सके। नेक्स्ट, व्हेन मेजर आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर यूनिट इनपुट फोकस इज ऑन फैक्टर ऑन प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस, दैट इज नोन एज एग्री इंटेंसिफिकेशन। एग्री इंटेंसिफिकेशन उसको कहते हैं। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पर यूनिट इनपुट, मतलब आप इनपुट कितना दे रहे हो, इनपुट इन द सेंस कि आप लेबर कितना डाल रहे हो, आप जमीन कितना दे रहे हो, आप टाइम कितना दे रहे हो, फर्टिलाइजर कितना दे रहे हो, पैसा कितना लगा रहे हो उस पे, और आपको वापस मिल कितना रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसको एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन मेजर कार्ब्स। मेजर कार्ब्स में कटला कटला है, ठीक है, इसके अलावा रोहू भी है, इसके अलावा मिंजल भी है, ये तो फिश का नाम है बाय द वे, ठीक है। नेक्स्ट, अपना खेत अपना काम इज द स्कीम ऑफ अंडर मनरेगा विच स्टेट। कौन से स्टेट के अंदर अपना खेत अपना काम है, दैट इज स्टेट राजस्थान के अंदर ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, एमएसपी ऑफ लेंटिल ऑफ रबी मार्केटिंग सीजन। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसके लिए होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल का जो फूड का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो उससे क्या होता है फार्मर को नुकसान होता है। अभी उनको लगा बहुत ज्यादा पैसा कोई भी धान को उगाने में, तो
और अगर वो बेच रहे हैं बहुत कम पैसे में तो इससे क्या होगा, उनको लॉस होगा। तो इसी चीज से फार्मर्स को बचाने के लिए एमएसपी लागू किया गया था, क्योंकि एमएसपी में क्या होता है, किसी भी फूड प्रोडक्ट का वो एक दाम सेट कर देते हैं, एक प्राइस सेट कर देते हैं कि ये आप इसी रेट में सेल करोगे, उससे कम में वो सेल नहीं करते और आपको भी उससे कम में नहीं खरीदना है, तो दैट इज एमएसपी। तो लेंटी का क्या है, 5500, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाया जाता है, दैट इज राजेंद्र प्रसाद के एनिवर्सरी पे, ठीक है। नेक्स्ट, जेस्टेशन पीरियड ऑफ शिप, जो शिप का जो होता है जेस्टेशन पीरियड वो क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड सबसे पहले तो समझते हैं क्या होता है, ये क्या होता है, आप जब से कंसीव करे हो तब से लेके जब आप बर्थ दे रहे हो तब तक की पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो शीप का 150 ± 5 होता है, सेम एज गोट, गोट का भी लगभग इतना ही होता है, 280 ± 3 होता है काऊ का, और 310 ± 3 होता है बफल्लो का, ठीक है। तो आप कब, आपने कंसीव कब टाइम पे किया है और आप बर्थ किस टाइम पे दे रहे हो, वो होता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलर ब्रीड ऑफ पोल्ट्री विच बिलोंग्स टू इटली, इटली का जो पॉपुलर ब्रीड दैट इज व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोडक्शन सिस्टम विच अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंडेड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ स्टॉक फूड एडिटिव्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक मतलब जो नहीं यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, मॉडिफाइड लाइफ स्टॉक फूड एडिटिव, तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, ठीक है। अगर कॉमर्शियल फार्मिंग में करें तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग फूड को तो ग्रो कर रहे हैं, मतलब क्रॉप को तो ग्रो कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल का भी रियरिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनिमल को फिर हम लोग को सेल करना है, तो उसको कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, एक बड़े से फार्म में हम लोग कम लेबर में कम कॉस्ट में हम लोग उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ड्रॉप डाउन ऑफ मिल्क आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है एक तरह का आप कह लो एंजाइम होता है, या फिर आप कह लो एक तरह का केमिकल एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, मिल्क को लेट डाउन करने में हेल्प करता है मैमरी ग्लैंड से, ठीक है। तो ये सक करके मिल्क को बाहर लेकर आता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन में उसका काम होता है। द प्रोसेस बाई विच फ्रूट अटेन देयर डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर, पैलेटेबल नेचर एंड अदर टेक्सचरल प्रॉपर्टी, तो ये सारा कुछ, जब फ्रूट क्या होता है, फ्लेवर आ जाता है। तो अभी आप ये मुझे ये बताओ कि आप पके हुए फ्रूट में फ्लेवर आता है या कच्चे फ्रूट में फ्लेवर आता है, पके हुए में कलर आता है या कच्चे में कलर आता है, तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ क्या होता है, पके वाले में आता है। तो उसी का राइपनिंग, जब फ्रूट कोई भी पक जाता है तो क्या होता है, उसमें फ्लेवर आ जाता है, क्वालिटी अच्छा हो जाता है, कलर अच्छा हो जाता है, पैलेटेबल नेचर, मतलब और मन करता है कि और खाएं, ठीक है, तो वो सब होता है। नेक्स्ट, द मॉडिफाइड स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड आर कॉल्ड, तो इनको रनर कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। जो राइजोसोम्स होते हैं वो भी ऑन ग्राउंड ही ग्रो करते हैं, ओके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरवीनल क्लोरोसिस फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन लेटर स्टेजेस, पर्पल कलर एंड ब्रॉन्जिंग अल्टीमेटली ड्राइंग, ये भी एक तरह का डिफिशियंसी की वजह से ही है, कि ये किसकी वजह से होता है, मैंने डिफिशियंसी के बारे में बता दिया है ऑलरेडी, तो ये होता है पोटेशियम की वजह से, ठीक है। मैंने बताया है अभी कि कौन कौन सा तीन मेजर होते हैं जिनकी वजह से डिफिशियंसी होती है, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, तो पोटेशियम की वजह से ये होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, वॉट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन क्या है, 68.84 जो है वो रूरल पॉपुलेशन है अपने इंडिया में, ठीक है। 83.3 करोड़ पीपल है जो कि रूरल पॉपुलेशन में आते हैं। इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, तो उसको ई नैम कहते हैं। ई नैम जो है वो क्या करता है, मंडीज को एक साथ लेकर आता है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को सेल करने के लिए। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो है वो डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज इन इंडिया एज पर द सेशन इज इतना, स्टैंड्स एट इतना, अबाउट 83.3 करोड़ पीपल लिव इन रूरल एरियाज आउट ऑफ 120 करोड़ इंडियंस। तो इसमें कंप्लीट क्वेश्चन ये था कि एग्रीकल्चर में कितने लोग मतलब डिपेंडेंट है, तो द आंसर इज 48.9% लोग है जो कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है अभी भी। व्हाट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग डन अलोंग द काउंटर ऑफ स्लोपिंग लैंड टू अवॉइड सॉइल इरोजन, स्लोप 33 है, लेस देन 33,
33 से भी कम स्लोप इज लाइक दिस, काफी ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा करते हैं, बेंच प्रेसिंग, बेंच प्रेसिंग करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे बेंच बना के तब इसमें फार्मिंग करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वेन एडेड टू द सॉइल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जब ये सॉइल में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है, प्लांट का ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, द वॉटर दैट हेल्ड टाइटली ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज, वैसे वॉटर जो कि सॉइल के कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड नहीं होते हैं, जनरली वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट बोटानिकल नेम एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस इन इंडिया फॉर परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा वैसा था क्योंकि इसमें चंपा भी है तो कंफ्यूजन था, लेकिन जैस्मिन इज द राइट आंसर क्योंकि परफ्यूम और फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा जैस्मिन का ही इस्तेमाल से बनाया जाता है, दैट्स व्हाई। ओके, डैम्पिंग ऑफ पपाया सिम्टम्स, पपाया का डैम्पिंग ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, द डिजीज प्रोमिनेंटली अपियर ऑन ग्रीन लीफ एंड ऑल्सो ऑन ग्रीन मेच्योर प्लांट, ये अगर दिख रहा है तो मतलब पपाया को आपको डंप कर देना चाहिए, वो अभी अच्छा नहीं है कंज्यूम, मतलब कंज्यूम करने के लिए नहीं है सही। साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल, तो मैलस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है। यंग बुफेलो फीमेल इज कॉल्ड, जो यंग बुफेलो फीमेल होती है उसको हेफर कैल्फ कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्राफियन फॉक्यूल फ्रॉम द एग, ग्राफियन फॉक्यूल को अगर हम लोग को सेपरेट करना है तो दैट इज नोन एज ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन में क्या होता है, जो अपरी पार्ट होता है एग का वो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो उसी को ग्राफियन फॉक्यूल कहते हैं। ठीक है, अ स्कीम इन विच सेंटर ट्रांसफर, सेंटर क्या करता है, ट्रांसफर करता है 6,000 रुपया पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, दैट इज पीएम किसान योजना इसको कहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ये। ठीक है, तो 6,000 रुपया दिया जाता है जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं उनको, उनके क्राइटेरिया डिपेंडेंट, मतलब सबका क्राइटेरिया डिपेंडेंट होता है, जो कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटी से जुड़े हैं उनको भेजा जाता है जनरली उनके डोमेस्टिक नीड के लिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड द यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, ऐसा कौन सा स्टडी है जिसमें कि हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है, प्लेटरो डिक्रेजेनी, पेट्रो डिक्रेजेनी को कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एंटोनॉमी का बात करें तो ये इंसेक्ट्स के पढ़ाई को कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी का बात करें तो ये मेडिसिन की पढ़ाई को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइसम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले बात तो ट्राइसम क्या होता है वो पहले तो जानेंगे कि ट्राइसम आखिर मतलब ये क्या चीज है, तो ट्राइसम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये कब आया था, 1979 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो कि आपके यंग पीपल होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जो कुछ भी अभी मार्केट में चल रहा है नया उसके बारे में, ताकि उनका स्किल डेवलप हो। ठीक है, तो इसका मोटो क्या है, अपस्किलिंग द रूरल यूथ, जो रूरल में लोग जो है, जो यूथ है उनका स्किल को बढ़ाने के लिए इसका ये आविष्कार, मतलब इनको लाया गया था इस स्कीम को। ग्रेप इज वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ग्रेप जो है वो उसको प्रोपोगेट करने के लिए कौन सा मेथड लगता है, दैट इज रूटेड हार्डवुड कटिंग। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोपोगेशन मेथड होता है, जैसे कि एक होता है विनीर ग्राफ्टिंग, ये किसके लिए होता है, मैंगो के लिए होता है। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग का एक टाइप है। इसके अलावा एक और होता है टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एप्पल के लिए होता है, पियर के लिए होता है। अगर हम लोग बडिंग का बात करें तो बडिंग में होता है टी बडिंग, ये किसके लिए होता है, पीच के लिए होता है, पाल्म के लिए होता है, ऑलिव के लिए होता है। ठीक है, अब लेयरिंग भी होता है, लेयरिंग में क्या होता है, आप हार्डवुड कटिंग एंड एयर लेयरिंग, ये होता है पोमोग्रेनेट के लिए।
ठीक है, तो ये सब भी होता है, काफी टाइप का प्रोपोगेटेड प्रोपोगेशन होता है। द ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर। ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर, फ्लावर्स जैसे ही आ गया दैट मीन्स फ्लोरिकल्चर इसका होगा, ठीक है आंसर। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रो करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और हैंडल करते हैं फ्लावर को। अगर ऑरिकल्चर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, वेजिटेबल को ग्रो करने का साइंस होता है। कैसे हम लोग नॉन वुडी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। पोमो कल्चर का अगर बात करें तो पोमो कल्चर क्या होता है, फ्रूट एंड फ्रूट ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं उसको कहते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी हमने बता दिया है पहले ही कि एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ अगर हम लोग एनिमल्स को भी साथ साथ कर रहे हैं तो उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। द नोडल एजेंसी फॉर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सी फूड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, अगर मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग मेपेडा यूज करेंगे। मेपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अगर एपडा का बात करें तो इसमें बस क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बाकी सब सेम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, नाफेड ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड ऑफ काउ इज कॉल्ड। मैमरी ग्लैंड का, अभी तुरंत इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैमरी ग्लैंड को प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो फॉर्म होता है मैमरी ग्लैंड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, दैट इज मैमोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जब ग्लैंड फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे उसको मैमोजेनेसिस कहते हैं। आगे जाने से पहले मुझे इस कोर्स के बारे में आपको बताना था, जो कि है FCI AG3 के लिए। ये कोर्स जो भी फॉर्म निकला है FCI AG3 का, उसके लिए ये कोर्स है। पिछले बार आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि पिछले बार हमारे कोचिंग से 14+ सिलेक्शन हुए थे FCI AGM2 में, FCI AGM3 में, जिसमें 27 टोटल थे, 14 का सिलेक्शन हुआ था। इट इज अ बिग नंबर, इतना किसी और इंस्टीट्यूट में आई डोंट थिंक हुआ था। इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेबल ई बुक्स दिए जाएंगे, वन क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको, यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे, क्वालिटी कंटेंट होगा सारा का सारा। ये सारा कुछ आपको 1499 रुपीज में मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को बाय करने में तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके पूछ सकते हो। हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर जीके, और हमारा वेबसाइट है, सॉरी, हमारा वेबसाइट है agriculturegk.in, इस पर भी जाकर आप पूछ सकते हो, मतलब इनरोल कर सकते हो उस कोर्स में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर ऑप्शंस में कुछ अगर आपको फर्क नजर आ रहा हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट करके, तो हम उसको देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। एन एग्जॉटिक फिश विच अडाप्टेड टू इंडियन कंडीशन। इंडियन कंडीशन को कोई बाहर की फिश अडॉप्ट कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका कैटेगरी क्या है, क्रेपनेसिस स्कार्पियो, इसको क्या कहते हैं, कॉमन क्रैब, कॉमन कार्प उनका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अ डिजीज ऑफ साइट्रस प्लांट इन विच क्रैक्स डेवलप इन द बार्क एंड सैप ओजेस। सैप ओजेस आ गया, उसका मतलब ही है कि वो गिमेसिस होगा। ठीक है, तो ये सब टर्म, ये सब जो टर्म है इनके नाम से, इनके मतलब से समझ में आता है कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट। अ कंडीशन इन विच माइक्रो पोर्स एंड मैक्रो पोर्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विथ वाटर ड्यू टू हैवी रेन और इरीगेशन, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्रोपोल्स और माइक्रोपोल्स फील्ड है, ये अगर है दैट मीन्स इट्स फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, जितना भी अवेलेबल वाटर होता है वो क्या होता है, एक तो होता है फील्ड कैपेसिटी प्लस वाटर एट परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों वाटर को मिला के अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इज डैश इज एन इरिगेशन मेथड विच रिसेम्बल्स नेचुरल रेनफॉल, इट रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट एंड लैंड यूज इन बंडिंग एंड इज सुटेबल फॉर अनडल्टिंग टोपोग्राफी। अनडल्टिंग टोपोग्राफी के लिए, बंडिंग के लिए स्प्रिंकल इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है। ड्रिप इरिगेशन का बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे पाइप से एक लैंड में पानी देते हैं हम लोग, ताकि बहुत कम पानी लैंड में जाए और वो अच्छी तरह से लैंड में फैले, उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। फ्लडिंग में क्या होता है, एकदम बड़े पाइप से, या तो आप क्या, वो नली खोल देते हैं पूरे फील्ड में, ताकि फील्ड क्या हो जाए, पूरा फ्लड हो जाए, उसमें पूरा पानी भर जाए, मतलब जितना पानी चाहिए फील्ड को उससे भी ज्यादा पानी आ जाए।
रिंग बेसिन और चेक बेसिन में सेम चीज होता है। इसमें प्लांट अगर यहाँ पर है, इसके चारों तरफ एक बेसिन बनाया जाता है और उस प्लांट को उस बेसिन के अंदर ही बड़ा किया जाता है, ठीक है, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स देके सारा कुछ देकर। द जीवी ऑफ लाइफ स्टैक हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम इतना 24.32% इन 2014 एंड 15 टू डैश इन 2022। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 28.63 हुआ है लाइफ स्टॉक का जीवी है, ठीक है। द लाइट सॉइल विच नीड्स फ्रीक्वेंट इरीगेशन एंड हैव लोअर वाटर रिसेंट वाटर रिटेंशन कम किस में होता है? सैंडी सॉइल। क्यों सैंडी सॉइल में कम होता है? क्योंकि सैंडी सॉइल में 85% तो आपका सैंडी होता है, तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्ले सॉइल का बात करें, क्ले सॉइल में क्ले कितना होता है? 40% या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होता है? टिपिकली इसमें फ्री ड्रेनेज होता है और इसमें पोर स्पेस भी क्या होता है? ज्यादा होता है, ओके। अगर हम लोग लोम सॉइल का बात करें, लोमी सॉइल, तो ये इसमें बेस्ट ड्रेनेज होता है वाटर का, इसमें एरिएशन भी अच्छा होता है, ठीक है। इसमें 20 to 50% क्या होता है? सैंड होता है। 35 to 50% क्या होता है? सिल्ट होता है। और 10 to 15% क्या होता है? क्ले होता है, 10 to 30%। तो इसकी वजह से ये सबसे बेस्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ बॉयलर बर्ड इज, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऐसे जगह पे उसको रख रहे हो जहां पर उसको टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा है, उसका पीएच भी अच्छा मिल रहा है, मॉइस्चर भी अच्छा मिल रहा है, उसको जो भी चीज रहने को चाहिए वो सारा का बहुत अच्छा मिल रहा है उसको। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? 15 days का होता है बॉयलर बर्ड के लिए, ठीक है। अ चिकन दैट इज रेज्ड स्पेसिफिकली फॉर मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन के लिए हम लोग ब्रॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फ्रायर भी कहते हैं। ये क्या होता है? यंग चिकन होते हैं, जनरली 40 to 45 days का ही होता है ये, ठीक है। टेंडर मीट होता है, स्मूथ टेक्सचर होता है इसका, इसी वजह से इसको हम लोग मीट में यूज करते हैं। और जो लेयर होता है उसको एग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना कॉज ड्यू टू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई, तो इसका आंसर है एफिड्स की वजह से होते हैं जो बंची टॉप्स होते हैं बनाना में। इंटरब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड विच डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4-5 generation, 4-5 generation के लिए इंटरब्रीड अगर करते तो वो आउट क्रॉसिंग होता है। क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है? कि ग्रैंड पेरेंट के में जो तो कैरेक्टरिस्टिक है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक माँ बाप में ना आके अगर ग्रैंड चिल्ड्रन में आते हैं तो उसको क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। अ क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर ब्रीड एंड ऑल्टरनेटिव मीटिंग द हाइब्रिड फीमेल्स ओवर सेवरल जनरेशन विथ मेल ऑफ दस ओरिजिनल ब्रीड्स इज कॉल्ड क्रिस क्रॉसिंग, इसको कहते हैं, वही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स कल्टीवेटिंग अ फील्ड पार्शन इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स विच आर ऑल्टरनेटली इन द क्रॉप रोटेशन सिस्टम, इट इज यूज्ड व्हेन अ स्लोप इज टू स्टीप और व्हेन देयर इज नो अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ओके। इसमें हम लोग नैरो स्ट्रिप में ऑल्टरनेटिवली क्रॉप रोटेशन ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात बात करें आगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी शायद इससे मिलता जुलता होगा। द ग्रोइंग क्रॉप इन सीक्वेंस, इसमें भी सीक्वेंस में क्रॉप ग्रो करते हैं। अ क्रॉप अ ईयर, एक क्रॉप एक ईयर, वन क्रॉप बींग सोन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ अदर, ठीक है। When two or more crops are grown in a year on the same land, the system is referred as double cropping. तो इसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का, तो इसमें भी टू या फिर दो से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं सेम फील्ड पे सेम ईयर में, ठीक है। पहले एक प्लांट को ग्रो किया जाता है और उसके जस्ट बाद जब वो हार्वेस्ट का टाइम आता है उस टाइम पे हम लोग सेकेंड प्लांट को भी ग्रो कर देते हैं। ये नहीं कि हार्वेस्ट करने के बाद साथ में, जैसे हार्वेस्ट का टाइम आता है तो फिर हम लोग उसको सेकंड प्लांट को भी ग्रो कर देते हैं, तो उसको सेक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। अ लैटरल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्ट्रीम विच इज यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ सम फ्रूट प्लांट। तो अभी क्वेश्चन देख के दो ऑप्शन नजर आ रहा था, ऑफसेट और सकर, जो कि सही हो सकता है। ऑफसेट भी सही हो सकता है, सकर भी सही होता है, हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। एमएसपी, फिर से एमएसपी आ गया, लेकिन इस बार टू डालकर पूछा है। तो एमएसपी क्या होता है? मैंने बताया मिनिमम
सपोर्ट प्राइस होता है, ये किसके लिए होता है? फार्मर के लिए होता है, ताकि उनको जब भी फॉल करे फार्म का प्राइस तो उनको फर्क ना पड़े उतना, ठीक है। वो गारंटीड प्राइस होता है प्रोडक्ट का, जो कि उनको मिलेगा ही मिलेगा कंज्यूमर की तरफ से। तो वो कितना होता है? 6,600 होता है टू डाल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस एमएसपी ऑन द रिकमेंडेशन। एमएसपी किसके रिकमेंडेशन पे आया था? दैट इज कमीशन फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के उस पे आया था। ये इनमें से कौन सा पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम्स का, जो कि क्या करता है, लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर, इन सबको देखता है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो केवीके क्या होता है? किसान विज्ञान केंद्र। ओके, तो ये पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, जो कि करता है एरिया स्पेसिफिक प्रोसेस को देखकर। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, अभी क्या होता है, अपने ही स्टेमन से अपने ही स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी और के हेल्प के, सेम फ्लावर में, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर का जो स्टेमन है वो दूसरे में स्टिग्मा में जा रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अ प्योर सीड जो ऑफ इम्प्रूव वराइटी इज प्रोड्यूस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ टोटल सीड प्रोडक्शन, उसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ये बेसिक बेसिस होता है ब्रीडर सीड बनाने के लिए। तो इसके बाद ब्रीडर बनता है, ब्रीडर के बाद क्या होता है, फाउंडेशन सीड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अंडर PMAYG द साइज ऑफ अ यूनिट हाउस विच इंक्लूड्स अ हाइजेनिक प्लेस फॉर कुकिंग इज, पहले तो PMAYG क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो उसमें 25 स्क्वायर मीटर चाहिए तभी इस मतलब इस प्लान के अंदर वो आ सकता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 314.1 मेट्रिक टन, वो टोटल ग्रेन बताया गया है कि इतना होगा, ठीक है। जिसमें से कि अगर हम लोग बात करें राइस का, तो राइस अकेला का 129.68 है। वीट का बात करें तो 106.41 है। पल्स का बात करें 27.75। ऑयल सीड का बात करें 30.50। इसके अलावा भी जो होते हैं वो 50 to 70 मेट्रिक टन में आ जाते हैं, ठीक है। फार्मिंग टेक्निक इन विच वी यूज हाई टेक्नोलॉजी सेंसर, हाई टेक्नोलॉजी सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, एंड एनालिसिस टूल टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड मैनेज सॉइल स्पेटिकल एंड टेम्पोरल अवेलेबिलिटी। सॉइल का हम लोग चेक करते रहते हैं अगर थोड़े थोड़े टाइम पे किसी सेंसर के थ्रू कुछ भी, तो उसको प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वॉट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल वर्क फोर्स, रूरल वर्क फोर्स का कितना परसेंटेज है? 33.69, ठीक है। अभी कौन मैपेटा को एस्टैब्लिश्ड, मैपेटा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? क्यों एस्टैब्लिश्ड? अपलिफ्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एक्वा कल्चर, ये मैपेटा के थ्रू किया गया। मैपेटा क्या होता है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। PMGSY3, PMGSY3 क्या होता है? ये एक तरह का, ये पहली बार तो जुलाई 2019 में कैबिनेट द्वारा इसको पास किया गया था। इसमें ग्रामीण एग्री मार्केट्स के लिए ये है, ठीक है। बहुत सारा इसमें चीज बोला गया था, इसमें रोड लेंथ के बारे में भी, रोड ग्रामीण में जो रोड बनाना है उसके बारे में भी बोला गया था, हेल्थ फैसिलिटी क्या करना है उसके बारे में भी बोला गया था। तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट कनेक्ट्स एंड मेजर रूरल रिंग्स मतलब रोड एंड कनेक्ट्स एग्रीकल्चर मार्केट्स हायर सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्पिटल, ये सबको कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम में बोला गया था। अकॉर्डिंग टू सेंसस ये दोबारा आ गया, इन केस ऑफ लिफ्ट एरिगेशन प्रोजेक्ट द टोटल हेड इज रिप्रेजेंटेड एज, टोटल हेड क्या होता है, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड को टोटल हेड कहते हैं, ठीक है। विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन इज यूज फॉर टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक सिखाने के लिए क्या करते हैं, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का हेल्प लेते हैं। ये क्या होता है, ये शॉर्ट टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसका क्या होता है, स्किल प्रोवाइड करना पीपल को, क्या उनको मालूम रहे कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। इस ये कोई ये पहली बात तो ओल्ड टेक्निक है, ये ऑलरेडी ओल्ड टेक्निक है और ये अपने आप में यूनिक है, इसका कंपेरिजन किसी और से नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ESI में आते हैं हम लोग, ESI का क्वेश्चन देखते हैं।
आरआरबी इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? आरआरबी जो है वो गोवा में लोकेटेड नहीं है, ठीक है, बाकी सब स्टेट में वो लोकेटेड है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। आपको ये इसके क्वेश्चंस थोड़े से अलग दिखेंगे बिकॉज, और थोड़े कम भी है क्योंकि हमने ज्यादा कोशिश किया इसका क्वेश्चन लाने का, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, इसी वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई इसके बारे में, लेकिन जितना मुझसे हुआ है उतना मैं डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ लगे कि क्वेश्चन अलग है या फिर आंसर्स अलग, ऑप्शन अलग है, तो आप मुझे बताना। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक है, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से वहाँ बैंक भी ज्यादा है कोऑपरेटिव। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोडक्शन? तो ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, 68.84 रूरल प्रोडक्शन है पूरा। 100% FDI इज इन, 100% FDI जो होता है वो सारा कुछ मिला के होता है, ठीक है, ये सारा कुछ मिलाकर होता है, कॉफी प्रोडक्शन, पाम प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, ये सबको मिलाकर होता है ऑल, ठीक है, 100% FDI। एम्प्लॉयज डिपोजिट लिंक्ड अश्योरेंस स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। मिशन सखी इज ऑपरेशनल फ्रॉम, ये 2021 से 2022 अभी हुआ है, और कब तक के लिए रहेगा? 25 से 26 तक के लिए रहेगा मिशन सखी, ठीक है। सार्थक स्कीम इज रिलेटेड टू, हमने बहुत बार सार्थक स्कीम के बारे में न्यूज पे देखा है, तो सार्थक स्कीम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वो स्कीम डेवलप टू लिंक स्टूडेंट एंड टीचर, सार्थक में क्या होता है कि एक लिंक डेवलप किया जाता है स्टूडेंट और टीचर में, ताकि उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो भी इशू है, उसको सॉल्व किया जा सके, और बहुत अच्छे तरह से वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सके, ताकि दोनों का नॉलेज अच्छा बढ़े। सीसीपीए वॉज एस्टेब्लिश अंडर विच सेक्शन? सीसीपीए पहली बात तो होता क्या है? सीसीपीए इज नहीं सॉरी सेंट्रल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 में आया था ये चीज, सीसीपीए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, द प्रीमियम हैज इंक्रीज फ्रॉम, पहले ये 12 रुपया था, अभी ये कितना हो गया है? 20 रुपया हो गया है, ठीक है, बढ़ के। नेक्स्ट, हु इज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ पोषण 2.8, 2.0? पोषण 2.0 अभी नया आया है, तो उसमें कौन कौन से बेनिफिशियरी नहीं होंगे? तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो अडोलेसेंस गर्ल होंगी वो बेनिफिशियरी में नहीं आएंगी, ठीक है। विच स्टेट होल्ड द टॉप पोजिशन एज पर द फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो सबसे ज्यादा जो टॉप पोजिशन है वो तमिलनाडु को मिला है फूड सेफ्ट इंडेक्स में, ठीक है। PMUY बेनिफिशियरी विल गेट हाउ मच सब्सिडी देयर बैंक अकाउंट, कितना उनको मिलेगा? PMUY मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री उजाला योजना, ठीक है। PMUY मतलब प्रधान मंत्री उजाला योजना, इसमें ₹200 मिलेगा, ठीक है, और 12 सिलेंडर्स दिए जाएंगे। एज पर द माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट विच स्टेट रैंक सेकेंड एंड थर्ड इन टॉप आफ्टर तमिलनाडु? तमिलनाडु के बाद बिहार और कर्नाटका जो आए थे वो आए थे टॉप रैंक में। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट फॉर इंडियन रोड सेफ्टी प्रोग्राम? तो $250 मिलियन का वर्ल्ड बैंक में अप्रूवल दिया है इंडियन रोड्स की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स एंजल इन्वेस्टमेंट? एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो कि जिन्होंने अभी नया नया इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है, ये न्यू कमर है आप कह सकते हो, इन्होंने अभी नया नया शुरू ही किया है इन्वेस्टमेंट करना, तो उनको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और ये कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करता है? IFSC है इनको रेगुलेट करता है। वोमेन पार्टिसिपेशन रेट रिमेन्स एट डैश, मनरेगा में जो है वो देखने वाली बात यह है कि मनरेगा में वुमेन पार्टिसिपेशन 54.54 है, दैट मीन्स ये आधे से भी ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मनरेगा में, दैट इज वेरी गुड। अलोकेशन ऑफ आरआईडीएफ फॉर द ईयर 2021-2022 इज, आरआईडीएफ का क्या मतलब होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये 40,000 करोड़ है जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर
वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन द ईयर 2006 में ये सेपरेट हुआ था दोनों। अभी इसको क्या बोलते हैं, MOM ये कहते हैं इसको, और इसको MSE कहते हैं, ठीक है। परसेंट इंक्रीज इन द रीसेंट बजट फ्रॉम पीएम ग्राम सड़क योजना, तो 36% इंक्रीज हो गया है रीसेंट का बजट, जो पहले बजट था उससे अभी इंक्रीज हो गया है। एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीवीए, पहले बात तो एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जो भी छोटे बहुत बहुत छोटे माइक्रो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको एमएसएमई में आते हैं, तो वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीवीए में, ठीक है। कॉयर स्कीम इज रिलेटेड टू, कॉयर स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो क्रेडिट जो अपना क्रेडिट लिंक होता है उससे रिलेटेड होता है कॉयर स्कीम, ठीक है, तो क्रेडिट लिंक से रिलेटेड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेशनल हाईवे इन रूरल एरियाज, कितना परसेंटेज है पूरा रोडवेज का जो है वो नेशनल हाईवे, 70.4% है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा हाईवे किधर आता है, सबसे ज्यादा हाईवे पूरे इंडिया में दैट इज यूपी में आता है, रोड हाईवे नहीं, अगर रोड सबसे ज्यादा कहाँ है तो वो महाराष्ट्र में है। और अगर डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ है ज्यादा, मतलब रोड पे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो तमिलनाडु में रहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज इंक्रीज टू व्हाट परसेंट, तो कितना परसेंट, 70% इंक्रीज हो गया, मतलब अभी सब सैनिटाइजेशन वगैरह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने लगे हैं कि सैनिटाइजेशन क्या होता है, इस वजह से ये इंक्रीज हो गया है। एनपीएस फॉर ट्रेडर्स प्रोवाइड अ मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ व्हाट अमाउंट, तो ये 3,000 का इनको मंथली मिलता है 60 साल तक पेंशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सम इनिशिएटिव टू इम्प्रूव सेक्स रेशियो, तो पहले अभी कितना है 937, और पहले कितना था 918 था, जो कि बहुत ज्यादा कम था, तो अभी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं सेक्स रेशियो में। तो ये खत्म हो जाता है हमारा वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने मैच कर लिया है अपने आंसर्स तो आप कमेंट में बताओ कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फेज टू की तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा जो मैंने FCI के कोर्स के बारे में बताया है उसको इनरोल करो, फॉर्म फिल करो और एग्जाम्स की तैयारी करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके देन, बाय, थैंक यू।